लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ बनी हुई है। लक्ष्मी, एक इकोनॉमी के बिंग एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे एक सवाल ये रहेगा, ये जीएसटी, मॉनसून, सरकारी पहल, जो सरकारी कंपनियों में बेचने की बात हो रही है, विनिवेश, ये ऑलरेडी इस समय मार्केट का जो रिदम है उसमें डिस्काउंटेड है, यानी कि सरकार जो भी काम कर रही है वो इकोनॉमी को बूस्टअप के लिए है, वो फ़ायदा दिखेगा? काफ़ी हद तक जो हम मोमेंटम देख रहे हैं मार्केट में, वो चाहे वो यूपी इलेक्शन के चलते हो या जीएसटी के पास जुलाई के महीने में पास होने की हो, या फिर कोई जो सरकार की जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, काफ़ी हद तक ये अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के डायरेक्शन के हिसाब से वो जो पॉजिटिविटी है काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड हो चुकी है प्राइजेस में। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है और हमारा भी यही मानना है कि अगर कोई नी जर्क रिएक्शन आता है कोई इवेंट के ना होने की वजह से, तो एक टेम्प्ररी निराशा शायद आ सकती है मार्केट में, लेकिन हमारे हिसाब से वो टेम्प्ररी ही रहेगा, क्योंकि जो हम फंडामेंटल्स की जो बात कर रहे हैं वो फंडामेंटल फुटिंग अभी भी काफ़ी हद तक मजबूत है हमारे देश में, तो ये जो नीजक रिएक्शंस आएंगे हमारे हिसाब से वो खरीदारी का मौका होगा। जी, चलिए, शुक्रिया लक्ष्मी आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को और बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं वुमेंस डे के मौके पर। लेकिन थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडसइंड बैंक की, इंडसइंड बैंक के साथ साथ एक बार देख लेते हैं भारत फाइनेंशियल को भी, क्योंकि एक बार फिर से जो मर्जर की खबरें हैं वो तेज हो गई हैं और सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि 10:7 के रेशियो में ये मर्जर हो सकता है, यानी उस हिसाब से जो भारत फाइनेंशियल की टोटल वैल्यू होगी वो करीब 13,000 करोड़ के आसपास हो सकती है, और जो जिस प्राइस पर डील हो सकती है वो 940 का हो सकता है, यानी इस प्राइस से भी करीब 100 रुपए के अप्रिशिएटेड प्राइस पर। ये सारी सोर्स बेस्ड खबरें हैं, लेकिन भारत फाइनेंशियल डेफिनेटली सर्च कर रहा है। शर्मिला, ये वापस से ये भारत फाइनेंशियल और इंडसइंड बैंक के मर्जर की जो खबरें हैं वो तेज हुई हैं। अगर 940 के प्राइस में ये डील होती है, जो सोर्स कह भी रहे हैं 10:7 के रेशियो में, तो क्या ये स्टॉक यहां से और रिरेट हो सकता है भारत फाइनेंशियल? आई थिंक इरिस्पेक्टिव स्टॉक यहाँ से रीरेट हो सकता है, क्योंकि आई थिंक जिस तरह से हमने देखा कि कल एक दो दिन पहले भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था विद द मैनेजमेंट, और उन्होंने काफ़ी उनके जो बुक के बारे में चीज़ें बताई कि यू नो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटीज ऑफ लोन्स टर्निंग इनटू एनपीएस एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं मार्केट रीड्स बिटवीन द लाइंस की ये इस चीज़ के संकेत है कि इस तरह की कोई बात चल रही है, सो यू नो दे आर गेटिंग ऑल द बैड न्यूज़ आउट इन दी ओपन फर्स्ट। हमने वो आइडिया के केस में भी देखा था जब उनके क्वार्टरली नतीजे आए थे, दे वर द वर्स्ट एवर नंबर्स, बिकॉज आई थिंक ये बात चल रही होगी कि यू नो उनका वोडाफोन के साथ डील होगा, सो यू गॉट अ सिमिलर सेंस इन दैट भारत फाइनेंशियल कॉन कॉल। बट आई थिंक इवन इफ दैट वर नॉट टू हैपन, आई थिंक द बेस बिजनेस जो भारत फाइनेंशियल का है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर इस तरह के आपको डिप्स मिलते हैं तो ज़रूर उनका फ़ायदा लेकर इस स्टॉक में खरीद करनी चाहिए। ठीक है, दो स्टॉक्स जिनमें न्यूज़ है, एक तो इन्फोसिस, इसकी एक सब्सिडरी है, वो एक दूसरी कंपनी के साथ करार कर रही है, तो हालांकि कोई खास बड़ा इम्पैक्ट तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दूसरा शेयर जिसके साथ न्यूज़ है वो है एनएलसी इंडिया, इसका बायबैक है, ये 99 पे बायबैक होगा, अभी शेयर चल रहा है 96, ये करीब 14 करोड़ शेयर्स का बायबैक होगा। एक सडन स्पाइक यहाँ पर आया है, लेकिन ये मूव बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कल भी चले अगर आज 99 तक नहीं पहुँचता, क्योंकि मार्केट में खबर 99 की आई और 14 करोड़ शेयर हैं, तो बायबैक के लिए एक अच्छा कंटेंडर, अभी तो डिस्काउंटिंग पे ही चल रहा है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर भी देखिए, उसमें आप बॉम्बे बर्मा को भी देख सकते हैं, ये भी अच्छा रिकवर कर रहा, हो सकता है थोड़ी देर में 800 के लेवल के ये भी ऊपर आता हुआ दिखे। चंदन, एक बार आप देखिए बॉम्बे बर्मा, ये भी 790 पे है, ये करीब 800 के ऊपर आ जाएगा क्या? और एक एनएलसी इंडिया का चार्ट भी देख लीजिए अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो। जी देखिए, दोनों ही जो चार्ट आपने देखे हैं सब में मोमेंटम बना हुआ है, हालांकि हम क्लोजली इनको ट्रेक नहीं कर पा रहे, कवरेज में नहीं है, बट मेरा मानना है कि ये जो बाजार में मोमेंटम बना है ये कंटिन्यू रहेगा इन सेलेक्टिव काउंटर में, तो ट्रेडर यहाँ पे 2-2.5% के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उनके साथ कंटिन्यू पॉजिटिव वे के साथ वर्क कर रहे हो। जहाँ तक आप यदि ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो मेरा मानना है कि सेलेक्टिव फाइनेंस कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, चाहे बजाज फाइनेंस हो, भारत फाइनेंस हो, या LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन सारी कंपनीज में बाजार की प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी अट्रैक्शन बना हुआ है। जी, एक बार देखिए आप वी मार्ट रिटेल के शेयर को, अब ये स्टॉक विद वॉल्यूम 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। डी मार्ट का IPO इस पूरे सेक्टर को रिरेट करेगा ये खबर है, लेकिन रिरेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि 2 महीने पहले स्टॉक का प्राइस 450-450 हुआ करता था और अब ये 850 पर ट्रेड कर रहा है। नताशा, ये क्या राय है आपकी रिटेल स्टॉक्स पर? वी मार्ट रिटेल, V2 रिटेल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव दिखा चुके हैं, इन स्तरों से और भी रिरेटिंग हो सकती है क्या इन शेयरों की?
देखिए जब भी कोई आईपीओ आता है किसी भी सेक्टर में देन ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट आता है. लेकिन जो चीज़ याद रखनी चाहिए कि उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जिनके की मार्जिन्स जो हैं वो डिफेंड कर सकते हैं, या उन्होंने कोई एक अच्छा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है जिसकी वजह से उनको एक बेनिफिट मिलता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. From that perspective, DMart का जो ये IPO आया है, it is quite attractive in terms of its business model. Company has been able to maintain a better capital efficiency, better profitability as compared to its peers, जिसकी वजह से कि उसको premium मिल रहा है, और it's in fact a very fairly valued IPO as well. And we have also given a recommendation of an apply on it. ठीक है. MTL का शेयर ऊंचा है, बढ़ रहा है और लगातार अच्छे मोमेंटम के अंदर है. 6 हफ्तों के अंदर अंदर टेलीकॉम विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट देनी होगी ये बताते हुए कि BSNL और MTL का मर्जर कैसे हो रहा है. तो प्रधानमंत्री कार्यालय अगर रिपोर्ट मांग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है 6 हफ्तों के अंदर तो टेलीकॉम विभाग ये रिपोर्ट दे ही देगा, हो सकता है उससे पहले भी दे दे. तो ये तो श्योर है कि हाँ कुछ ना कुछ मर्जर को लेकर बात ज़रूर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. इसलिए MTL आपको आज और हो सकता है कल भी चलता हो दिखे, इसलिए इस शेयर पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. आज कुछ एक और शेयर चल रहे हैं उसमें हमने देखा है कि एक तो केयर रेटिंग है, ये शेयर आज करीब 2.5% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. नेटको फार्मा ये भी करीब 1.5% ऊपर है. इन दोनों पर्टिकुलर शेयर्स पे बात करेंगे.